Hi, hello everyone. Please give me thumbs up if I'm quite audible or visible. मेरी आवाज आप लोगों को properly आ रही है? सब कुछ visible है? Please give me thumbs up. आ रही? कितने लोग हैं अभी? हम 2 मिनट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे. मेरी आवाज आ रही है? सब कुछ क्लियर है? क्लियर है सब? सो अभी हम 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. माय नेम इज श्रेया बर्वे एंड आई एम फ्रॉम अहमदाबाद और आई एम अ होम बेकर. सो आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ वो आइसिंग टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ. तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मेहता सर का, खाद्य खुराक न्यूज चैनल का, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना स्किल्स आप लोगों के सामने शोकेस कर सकूं. सो थैंक यू सर, थैंक यू होल टीम ऑफ खाद्य खुराक. सो अभी आज जो मैं टेक्निक यूजुअली आपने जो पिछले सेशन है उनमें केक तो बेक करना सीख ही लिया होगा, बट आज मैं उसकी नेक्स्ट स्टेप आपको बताने जा रही हूँ कि आप उसको डेकोरेट कैसे कर सकते हैं व्हिप क्रीम के साथ में और कैसे उसको और अच्छा यमी और डिलीशियस बना सकते हैं. सो बेसिकली आज हम चॉकलेट केक जो है वो उसके ऊपर आइसिंग करेंगे. मैं आपको 2 तरह की आइसिंग बताऊंगी, एक प्रोफेशनल जो आइसिंग की जाती है वो, और एक अगर आपके पास प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ना हो तो आप कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको आज बताऊंगी कि आप आइसिंग घर पर आपके घर के सामान के साथ में आप कैसे कर सकते हो. सो बेसिकली उसके लिए हमें, अगर हम प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट के साथ जाएं, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक टर्न टेबल. टर्न टेबल के साथ हमें चाहिए अपने पैलेट नाइफ. ये मेरे पास 6 इंच का पैलेट नाइफ है. बड़े बड़े केक्स के लिए आप बड़ा पैलेट नाइफ भी यूज कर सकते हैं. फिर एक यहाँ पर है मेरे पास ब्रेड कटर. ब्रेड कटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज आप जब आप केक की कटिंग कर रहे होते हैं तो अगर आपका नाइफ शार्प नहीं है, नाइफ प्रॉपर नहीं है, तो आपके केक की लेयर जो है प्रॉपर नहीं आएंगी और फिर उसका हाइट जो है वो इनबैलेंस हो जाएगा. सो प्रोफेशनली अगर आप जा रहे हैं तो ये नाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. फिर इसके बाद हमें जो चाहिए वो है बीटर के अटैचमेंट्स. यहाँ मैंने 300 वॉट का जो है बीटर यूज किया है. अगर आप परचेज करना चाहते हैं अपने घर के लिए भी तो प्लीज मेक श्योर कि आप जब भी बीटर खरीदें तो वो एटलीस्ट 300 वॉट का हो, उससे बिलो का ना हो. मैक्सिमम हो उतना अच्छा, बट बिलो नहीं होना चाहिए. सो ये जो थे बेसिक इंस्ट्रूमेंट थे अगर आपको प्रोफेशनली जाना है तो. इसके अलावा हम यूज करने वाले हैं क्रीम, डिलाइट क्रीम. मार्केट में बहुत सारे क्रीम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के क्रीम अवेलेबल हैं. फिलहाल अभी मेरे पास डिलाइट है तो मैं डिलाइट यूज करूंगी. सभी जो क्रीम है वो सेम ही फंक्शन है, सभी के एक जैसा ही सब वर्क करते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. शैल वी स्टार्ट? तो अभी यहाँ सबसे पहले मैंने एक स्पॉन्ज लिया है, एक बेस ला देना मुझे. तो यहाँ पर अभी मैंने एक 6 इंच का अपना एक चॉकलेट स्पॉन्ज लिया है. आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग बड़ा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, आपने जैसे बनाया हो आप वो वाला स्पॉन्ज यूज कर सकते हैं. सो मैं एक बेस ले रही हूँ यहाँ पर और अब इसकी मैं कटिंग स्टार्ट करूंगी.
कटिंग स्टार्ट करने के लिए आप कई बार होता है कि केक जो होते हैं ऐसे डोम शेप में बेक होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, कई बार फ्लैट हो जाते हैं, कई बार जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, सी यहाँ पर ये प्लेन सरफेस आ रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ प्लेन सरफेस आ रही है और यहाँ जो है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। आई होप यू कैन सी प्रॉपरली। सो इसको हमें सबसे पहले इसी जो ये जो पार्ट है इसको लेवल करना रहेगा। कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो हाथ है वो एग्जैक्ट जो ये पाम है ये आपको इसके ऊपर रखना है और अपनी फिंगर्स जो है वो थोड़ी ऊपर रखनी है ताकि आपको अंदाजा रहे कि आपका कहाँ से आपका कटिंग स्टार्ट होने वाला है। अभी मेरा जो पाम है वो जो उबड़ खाबड़ जो ये जगह है ऊंची नीची उसको कवर अप करता है, तो मुझे वहीं से कटिंग स्टार्ट करनी है। और नाइफ आपका स्ट्रेट होना चाहिए। आप अपने नाइफ के साथ में ऐसे 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 इस तरीके से कट नहीं कर सकते हैं, आपका नाइफ हमेशा एक ही मोड में होना चाहिए। सिर्फ जो मूव करेगा वो आपका ये हाथ मूव करेगा। अभी सिर्फ हमें पाम से अपने केक को टर्न करते जाना है, नाइफ उसकी जगह है। अब हमने कटिंग पूरा कर लिया, अब हम इसे बीच में से हटा देंगे। सी अभी ऑलमोस्ट ये इवन हो गया है, तो ये हमारा स्क्रैप रहेगा। स्क्रैप को हम बाद में यूज करेंगे, मैं बताऊंगी आप स्क्रैप का भी कैसे यूज कर सकते हैं। सेम हमें इसकी तीन लेयर करनी है, 1 1 इंच, 2 2 इंच, जैसा आपको अच्छा लगे। जिस कोई लोग क्रीम कम पसंद करते हैं तो वो स्पॉन्ज का हाइट जो है वो बड़ा ले सकते हैं, किसी को स्पॉन्ज उतना नहीं चाहिए होता है, क्रीम चाहिए होता है, तो आप स्पॉन्ज का हाइट कम कर सकते हैं। यहाँ मैं 1 1 इंच का जो है लूंगी। सेम मेथड आपको अपना पाम रखना है, अपना नाइफ रखना है और हल्के से मूव करना है ताकि उस पर मार्किंग होती जाए। ठीक है, अभी मार्किंग हो गई, अब आपको सिर्फ नाइफ को हल्के से गोल कर देना है। ये जब पूरा बन जाएगा विथ क्रीम के साथ में ये 1/2 kg का केक बन जाएगा, 500 ग्राम का। फिलहाल जो ये स्पॉन्ज है वो है अभी अराउंड 250 ग्राम का। तो ये अभी हमारी एक लेयर निकल गई है, सबसे जो टॉप की लेयर है, जो टॉप की लेयर है उसको आपको अलग साइड में रखना है। अब इसमें से एक लेयर और निकलेगी, सेम मेथड आपको पाम से अपने टर्न टेबल को राउंड करते जाना है लाइक दिस। मार्किंग हो गई, अभी बिल्कुल लाइट वेट आपका नाइफ घुमा देना है तो आपकी लेयर जो है कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगी, कहीं से मोटी कहीं से पतली सी। अब ये जो बीच की मिडिल लेयर है इसको हमें अलग से नहीं रखना है, इन दोनों को साथ में उठाना है। टॉप की लेयर को अलग रखिए, इन दोनों लेयर को साथ में रखिए। ठीक है, ये हो गई हमारी केक कटिंग। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मैंने आपको टर्न टेबल पर बताया कि अभी ये कटिंग कैसे की जाती है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास ये टर्न टेबल नहीं है तो आप कटिंग कैसे करेंगे। तो एक थाली ला दूंगी, तो अभी यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। बाउल जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा स्प्रेड होना चाहिए, एकदम बहुत सकरा नहीं होना चाहिए ताकि केक का जो है वजन ले सके। यहाँ मेरे पास एक स्टील का प्लेट है, इस स्टील के प्लेट को मुझे ऐसा उल्टा करके रख देना है। अभी आप इसको मूव कीजिए कि आपका टेम्पररी टर्न टेबल हो गया है। ठीक है, मैंने एक और केक बेक करके रखा है आप लोगों के लिए, छोटा सा है, जस्ट डेमो के लिए मैंने इसको बेक किया है आप लोगों को बताने के लिए। तो मैं इसकी तीन लेयर नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर दो ही लेयर करूंगी। फर्स्ट हम जो है डोम निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए सेम मेथड, पाम है, बीच से इसे हमें राउंड करते जाना है। देखिए आपका बाउल भी सेम राउंड टर्न कर रहा है।
जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप प्रॉपर आइसिंग नहीं कर सकते, आप इजीली कर सकते हैं, डोंट वरी। सो इस क्रिसमस जो है आप अच्छे तरीके से अपने केक को डेकोरेट कीजिए। देखिए इवन लेयर निकला है, यहाँ मैं अभी दो ही लेयर काट रही हूँ, मैंने एक छोटा केक बेक किया था इसके लिए, तो अभी हम इनको साइड में करते हैं और साथ ही में कोई ना कोई ना। अब हमें अपनी क्रीम व्हिप करनी है। क्रीम व्हिप करने के लिए यहाँ मैंने एक ग्लास का बाउल लिया है, आप कोई भी बाउल यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं ग्लास का बाउल है, मैंने आपको दिखाया आप कोई भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एनीथिंग। मैंने यहाँ पर कांच का बाउल लिया है ताकि आपको दिख सके कि क्रीम किस तरीके से ऊपर आ रहा है। आपकी क्रीम जो है वन लीटर पैक में ही अवेलेबल है मार्केट में, तो आप पर ये इसको आप 6 महीने 7 महीने तक यूज कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। इसको आपको स्टोर करना होता है फ्रीजर के अंदर, आप फ्रीज के अंदर इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा आइसी हो गई है, बहुत ज़्यादा जम गई है फ्रीजर में और आपको यूज़ करना है, तो आपको इसको निकाल के एटलीस्ट 7 से 8 घंटा पहले फ्रीज में रख देना है ताकि इसकी जो आइस है वो मेल्ट हो जाए और ये चिल्ड एकदम मिल्क रहे। जो ये मिल्क है ये पूरा चिल्ड होना चाहिए तो ही ये विप हो पाता है अच्छी तरीके से। दिस इज अ नॉन डेयरी व्हिप क्रीम। आप अमूल की जो फ्रेश क्रीम है उसके साथ में व्हिपिंग क्रीम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए लिक्विड फॉर्म में है और काफी चिल्ड है। अभी हम जब इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे तो हम जो पहली जो स्पीड रखेंगे वो 2 की स्पीड पर रखेंगे और इसे कंटिन्यूस राउंड राउंड करते जाना है। अपॉन योर चॉइस, बहुत से लोग जो है क्रीम कम पसंद करते हैं तो आप 100-150 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप इसका रेशियो बढ़ा भी सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। यूजुअली जो जाता है वो 150 से 200 ग्राम तक चला जाता है हाफ के जी के लिए। अभी हमने इसकी स्पीड बढ़ा के 5 कर दी है, देखिए डबल होना स्टार्ट हो गया है।
आपको अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक की जो प्रोसेस हुई है उसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ समझ में ना आया तो आप अभी भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए अभी जो है ना इसके अंदर ये लाइनिंग आना स्टार्ट हुई है क्रीम के अंदर, इट मीन्स ये विप होना स्टार्ट हुआ है अभी। ये 1 लीटर का पैक है और इसके अंदर अगर आप हाफ के जी के केक बना रहे हैं तो हाफ के जी के केक आप इसके अंदर इजीली 3 से 4 बना सकते हैं, और 1 केजी के अगर बना रहे हैं तो 2 या 3 मैक्सिमम बन सकते हैं। इसमें जो अपना ये इसका डिप करना है और इसका जो पीक है वो नीचे डाउन नहीं होना चाहिए, इट मींस आपकी क्रीम जो है परफेक्टली रेडी हो चुकी है। आप इसको उठाएंगे तो देखिए ये स्टिल अभी भी जो शेप होल्ड किया हुआ है उसी शेप में है, इट मींस आपकी व्हिप क्रीम जो है हो गई है। सारी क्रीम में शुगर आती है सभी सभी व्हिपिंग क्रीम के अंदर शुगर आता है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप इसके अंदर कैस्टर शुगर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें शुगर यूज करने की जरूरत नहीं होती है। शुगरलेस क्रीम नहीं, अभी तक शुगरलेस क्रीम का तो आइडिया नहीं है। सो अभी हम आइसिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। मैं यहाँ अपना बेस ले रही हूँ। क्रीमिक्स अच्छा है, बेस बना हुआ स्क्रैच। सी अगर आप टेस्ट वाइज अगर जा रहे हैं तो स्क्रैच रेसिपी आप यूज कीजिए, बिकॉज स्क्रैच रेसिपी का जो टेस्ट होता है वो ज्यादा बेटर होता है बजाय प्रीमिक्स के। तो प्रीमिक्स आप तभी यूज कीजिए जब आपको अगर क्रीम केक बनाने हो, क्योंकि उसमें आप का जो स्पॉन्ज का टेस्ट है वो उतना मैटर नहीं करता है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि जो मेरी फर्स्ट लेयर है, ये मेरी फर्स्ट लेयर जो थी इसको मैंने अलग रखा था और 2 लेयर मैंने एक साथ रखी थी। तो 2 लेयर में ये मेरी है मिडिल वाली लेयर, इसको मैं सबसे नीचे रखूंगी। मिडिल लेयर ऑलवेज बॉटम में जाती है। अभी मैंने यहाँ पर स्प्रे लिया है
हम इसको वाटर स्प्रे करेंगे। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो यहाँ पर शुगर वाटर यूज कर सकते हैं, और अगर आप लाइट शुगर यूज करते हैं तो आप सिंपल वाटर भी यूज करेंगे तो इट्स ओके। वाटर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हमारा केक जो है वो अच्छे तरीके से मॉइस्ट हो जाए, क्योंकि ये काफी ड्राई होता है। आप क्रीम के साथ यूज करेंगे जब इसे तो ये ऑलमोस्ट ड्राई होता है। अभी मैंने ये क्रीम ली है यहाँ पर, इसको आपको टच नहीं करना है अपने स्पॉन्ज से, इसको आपको ऊपर से ही एज ए रख देना है। अगर आप टच करते हैं तो आपके क्रम्स जो है वापस ऊपर आ जाते हैं क्रीम में, इसलिए आपको ऊपर से ही धीरे से हल्का सा धक्का देके अपनी क्रीम को नीचे डाल देना है। देन इसका जो नाइफ चलेगा इसको स्प्रेड करने के लिए, इट्स जस्ट लाइक अ काइट, कि आप काइट कैसे ऊपर से नीचे zigzag करके आती है, बस लाइक इसका स्पैचुला भी वैसे ही चलता है। एकदम लाइट वेट, आपका हाथ जो है एकदम क्रीम के ऊपर हैवी नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं आना चाहिए इसके ऊपर। स्प्रेड कर दिया और से आप टर्न करके इवन कर दीजिए लेयर, ठीक है। अभी आप इसके अंदर जो चाहे ऐड करना चाहे कर सकते हैं, आप चाहे तो चॉकलेट चिप्स यूज कीजिए, आप चाहे तो चॉकलेट गनाश यूज कीजिए, आप चाहे तो फ्रूट्स यूज कीजिए, जो भी आपको फिलिंग करना है अंदर, कोई सॉस ऐड करना हो आप सॉस ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा चॉकलेट है वो स्प्रेड चॉकलेट के चंक से वो डालूंगी। अब ये जो हमारी सबसे टॉप लेयर है तो ये सबसे टॉप की लेयर जो है वो मिडिल में जाएगी। प्लीज मेक श्योर कि सारी लेयर्स इवन एक दूसरे के ऊपर रखी हो, कोई भी साइड से आगे पीछे ना हो। तो ये हमने टॉप की लेयर को मिडिल में ऐड किया है। फिर से इसे हम पानी से मॉइस्ट करेंगे। क्रीम में भी आपको कलर ऐड करना है तो जब आप बीट कर रहे होते हैं उस टाइम पर आप कलर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड लेयर हो गई है, ये भी हमने क्रीम लिया, सेम मेथड ऊपर से डाल दिया। हल्के हल्के हाथों से स्प्रेड करना है। टॉप की लेयर को भी मॉइस्ट कर देना है। अभी जो हमारा बेस है इसमें पानी हो गया है तो इसको हमें क्लीन करना रहेगा। फिलिंग करेंगे, ये जो साइड से खाली खाली जगह है इनको हमें फिल अप करना है। इनकी क्रम, इसे क्रम कोटिंग कहते हैं।
ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप क्रम कोटिंग नहीं करेंगे तो सारा जो स्पॉन्ज का जो क्रम्स है वो आपकी क्रीम में ऐड हो जाएगा और आपकी क्रीम जो है वो सिर्फ क्रम से भर जाएगी और वो फिर बहुत मैनेजेबल नहीं रहेगी या अच्छी नहीं लगेगी। आप जब भी नाइफ पकड़ेंगे साइड में, आपको साइड में जब आइसिंग करनी हो, आपका जो नाइफ का सिचुएशन वो है पोस्चर वो हमेशा इस तरीके से उल्टा रहेगा। जब भी आप ऊपर करेंगे तो स्ट्रेट रहना चाहिए। सो साइड के लिए दिस पोजीशन एंड ऊपर के लिए फ्लैट पोजीशन। ऊपर डालेंगे क्रीम। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे इसे फ्रीज भी करके रख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आप भी जस्ट स्टार्ट किया है तो आप इसे क्रम कोट करके फ्रीज करके रख दीजिए, तो बाद में आप आइसिंग करेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। मैं अभी यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, पर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर क्रीम ऊपर डाली है। सेम जैसे मैंने आपको लेयरिंग के अंदर बताया था कि क्रीम को कैसे स्प्रेड करना है, वैसे ही आपको टॉप लेयर को भी स्प्रेड करना है। नाइफ कहीं भी स्पॉन्ज को नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज स्पॉन्ज के जो भी क्रम्स हैं वो आपकी क्रीम के साथ ऊपर आएंगे। इसलिए प्लीज बी जेंटल। आपका नाइफ एक जगह होना चाहिए। सी माय हैंड, आपका ये मेरा ये जो हाथ है वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। जो मूव करेगा मेरा यही हाथ मूव करेगा। ये अभी हमने टॉप की आइसिंग की। अभी जो है अब हम साइड की आइसिंग करेंगे। साइड की आइसिंग के लिए सेम पोजीशन नाइफ की यही रहेगी। क्रीम जहां तक हो सके इवनली स्प्रेड कीजिए। जितना आप इवन स्प्रेड करेंगे उतना ही आइसिंग आपका अच्छा होगा। ठीक है, अभी हमने सिर्फ जो है क्रीम को है अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया है। अब हमें इसको शेप करना है, तो सेम पोजीशन रहेगा। साइड के लिए नाइफ को स्लांट कीजिए और नाइफ एक जगह रहेगा, सिर्फ मूव करेगा आपका टेबल और आपका लेफ्ट हैंड। अब देखिए कि कहां पर अनइवन है, वहां पर थोड़ी क्रीम और ऐड कीजिए। ठीक है, ये अभी हमारी साइड की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। आप देख रहे क्लीन आइसिंग। इसके बाद आपको आपका नाइफ जो है क्लीन करना है। आप एक वॉर्म वाटर का जग अपने पास हमेशा रखिए ताकि आपका जो नाइफ है वो आप उसे बार बार क्लीन कर सकें। आपका नाइफ क्लीन रहेगा आपकी आइसिंग उतनी अच्छी होगी। अभी मेरा नाइफ क्लीन है। अब मैं जो ये जो ऊपर उठे हुए एजेस हैं उन्हें इवन करूंगी।
किसी की कोई क्वेश्चन ही? हाथ हमेशा अपना हल्का रखिए ताकि आपकी क्रीम ना दबे। अभी जो नीचे थोड़ा बहुत मैस हो गया है इसको हमको क्लीन करना रहेगा एक क्लोथ की हेल्प से। तो देखिए ये हमारा जो बेसिक आइसिंग है वो रेडी हो गया है। दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर? ठीक है, तो ये अभी हमने एक अपने प्रोफेशनल जो इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ में किया। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने जो घर वाला जो हमने टर्न टेबल बनाया था एक बाउल एंड प्लेट उससे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम जो है अपना जो दो लेयर वाला जो हमने केक काटा था वो मैं उसको मॉइस्ट कर देती हूँ। आपके पास अगर नाइफ नहीं है तो आप स्टील का जो स्केल होता है वो भी यूज कर सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है कि आपके पास ये नाइफ होना कंपलसरी है। आप वो स्केल से भी आइसिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस हम ऊपर से पटकेंगे अपनी क्रीम को नीचे धीरे धीरे स्प्रेड करना है। अभी ये जो टॉप लेयर था इसको मैं पलट कर रखूंगी उल्टा ताकि मुझे ऊपर प्लेन सरफेस मिले, डोम सरफेस ना मिले। अब यहां पर क्या है, मैंने सिर्फ दो लेयर लिया है। अब ये दो लेयर में से जो ये टॉप लेयर है ये ऊपर रखा है मैंने, इसको डोम को उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको नीचे रखा है तो यहाँ काफी स्पेस बचेगी। तो सबसे पहले भी हमें इसकी स्पेस को फिलअप करना है। तो पहले हम मॉस्क कर लेते हैं। ये क्रम कोटिंग भी हो जाएगा और इसकी जो गैप की फीलिंग है वो भी हो जाएगी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी थाली को
घुमाते जाना है, पोजीशन सेम रखनी है, प्रोसीजर सेम रखना है। अभी हम ऊपर की एसिंग करेंगे, नहीं मिक्सर से आप नहीं कर सकते, उससे आप उसके लिए आपको बीटर आपके पास होना कंपलसरी है, हैंड बीटर से आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अभी इस तरीके से घुमाइए आप अपनी थाली को और एक आपके पास प्लेन सरफेस रेडी हो जाता है। इसी तरह साइड में भी करना है, अच्छी तरीके से स्प्रेड करने के बाद में इसे आपको प्लेन कर देना है। नाइफ को क्लीन करना है, बेस को क्लीन कर लेना है। प्रॉपर वीडियो आपको, मेरा वॉइस और वीडियो आपको प्रॉपर आ रहा है ना, प्लीज गिव मी थम्स अप ताकि मुझे पता रहे। इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये वजन से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आपका वेट जो है बहुत ज्यादा हैवी ना हो केक का। जितना आप हैवी केक ले बना रहे हो अगर घर पर, तो नीचे का बॉटम जो भी आप लें वो भी हैवी लें ताकि वो केक का जो वजन है उसे अच्छे तरीके से कैरी कर सके। तो ये हमारा घर की टर्न टेबल से रेडी किया हुआ केक रेडी हो गया है। अभी नेक्स्ट जो है हम इसकी इसका डेकोरेशन करेंगे और चॉकलेट के साथ में कैसे आपको इसमें इसका डेकोरेशन करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ। अभी तक आपको कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो आपको ना समझ में आई हो, एनी क्वेश्चंस? Everything is clear? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ मैंने हाफ कप जितना चॉकलेट लिया है, मैंने चॉकलेट को अच्छी तरीके से टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। अभी मुझे इसका ट्रफल बनाना है। ट्रफल बनाने के लिए हम जो है विप क्रीम का जो मिल्क है वो यूज करेंगे। एक पैकेट, तो यहाँ मैंने हाफ कप चॉकलेट लिया है,
तो आपको क्रीम भी उसमें ऑलमोस्ट हाफ कप लेनी है, इक्वल इक्वल क्वांटिटी में दोनों आपको इंग्रेडिएंट लेने हैं। तो यहां पर मैं विप क्रीम ऐड कर रही हूं। अब इसे मैं दो या तीन मिनट के लिए ब्रेक दे देके मेल्ट कर लूंगी। एकदम डायरेक्ट आपको बिल्कुल बॉइलिंग उस पर नहीं ले आना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव ऑप्शन में आप माइक्रोवेव ऑप्शन यूज करके इसे मेल्ट कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोवेव में नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्ट गैस पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका गैस का फ्लेम जो है बहुत स्लो होना चाहिए, ये बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाना चाहिए। तो मैं अभी दो मिनट में इसे मेल्ट करके लाती हूँ। देखिए अभी मैंने इसको मेल्ट किया है एक बार में। देखिए इसका कंसिस्टेंसी ऐसा है। अभी इसको फिर से हमें मेल्ट करना है। एक बार में आप पूरा गर्म मत कर लीजिए, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा हॉट हो गया तो ये चॉकलेट जो है सीज भी हो सकती है, तो या जो क्रीम है वो अपना ऑयल स्प्रेड कर सकता है। तो एक बार में नहीं कीजिए, अभी एक बार कर दिया मैंने, इसे हम वापस मेल्ट करेंगे। आई होप ये सेशन जो है आप लोगों के लिए यूजफुल हो, और ये जो क्रिसमस है आप लोग अपने केक्स को बहुत अच्छे अच्छे तरीके से डेकोरेट करें, बहुत अच्छे अच्छे केक्स बनाएं। सो ये एक छोटा सा एफर्ट था मेरी तरफ से। तो ये अभी हमारे दोनों केक जो है इनकी हम डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे अपने ट्रफल के साथ में। एनी क्वेश्चंस आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अभी बस निकाल सो अभी ये सेकंड टाइम हमने इसको बॉईल किया था। अगर ये ज्यादा गर्म हो गया है तो आप इसे केक पर पोर मत कीजिए, अदरवाइज आपकी जो क्रीम है वो पूरी मेल्ट हो जाएगी। इसे दो मिनट का रेस्ट दीजिए, फिर आप इसे पोर कर सकते हैं। इसे कंटिन्यू स्टर कीजिए। देखिए इसका कंसिस्टेंसी जो है पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप चाहे तो इस ट्रफल को क्रीम पे में मिक्स कर सकते हैं, बट आपको प्लीज मेक श्योर कि उस टाइम पर आपका जो ट्रफल है एकदम ठंडा होना चाहिए। फ्रीज में रखकर आप इसे ठंडा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे क्रीम में जब आप क्रीम बीट कर रहे हो, आपकी क्रीम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बीट हो जाए, तब आप इस ट्रफल को एक चम्मच या दो चम्मच डालेंगे तो आपकी क्रीम भी जो है वो भी चॉकलेटी हो जाएगी। सो अभी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, इसके अंदर कोई भी चॉकलेट की गांठ नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज वो आपकी पाइपिंग के समय ट्रफल को पोर करते समय आपके केक के ऊपर आ जाएगी और वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्रीम बच जाए तो उसका क्या यूज कर सकते हैं?
क्रीम को आप फिर से एयरटाइट में पैक करके रख दीजिए, आप 2 या 3 दिन तक उसे यूज कर सकते हो। यहाँ मैं एक बटर पेपर ले लूंगी, के कोन हम लोग बनाते हैं, बस इस टाइप का एक कोन बनाना है जिससे कि मैं इस पर ड्रिपिंग डाल सकूं। यहाँ एक मैंने एक सिंपल सा कोन जैसा बना लिया है। अभी जो हमारा ट्रफल है मैं डालना है इसके अंदर। अच्छी तरीके से ऊपर से पैक कर दीजिए। अभी जो हमारा केक है हम इसके साइड पर इसकी ड्रिपिंग डालेंगे। ठीक है, ये भी हमने ड्रिपिंग डाल दिया है। अब इसके अंदर हम लाइनिंग डालेंगे। हाथ स्ट्रेट रखिए अपना। कोई भी कलर यूज कर सकते हो आप, जेल कलर यूज कर सकते हो, आप पाउडर कलर यूज कर सकते हैं। बट मैं आपको बोलूंगी कि आप लिक्विड कलर ना यूज कीजिएगा बस, क्योंकि क्रीम के साथ में लिक्विड कलर्स नहीं जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ एक पैटर्न ड्रॉप किया है, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से। अब मैं एक टूथपिक से इसमें पैटर्न ऐड करूंगी।
होप आप देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से पैटर्न। ठीक, तो एक ये पैटर्न हमने रेडी किया है। इसके बाद जो ये हमारा घर वाला है, हम उसे रेडी करेंगे। सेम इसमें भी ड्रिपिंग डालेंगे। अभी मैंने आपको उसमें एक पैटर्न दिखाया था, यहां मैं आपको ट्रफल कैसे डालते हैं वो बताती हूँ। तो ये हमने ट्रफल लिया है, ट्रफल गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से पोर हो सके, अच्छे तरीके से स्प्रेड हो सके, इस कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए। अब इसको आप हल्के हाथों से स्प्रेड कर दीजिए अपने केक पर। Like this. ये अभी हमने एक ट्रफल डाल दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि हमने जो चीज़ हमारे पास जो स्क्रैप बच गया था, जो हमने डोम काटा था, उसका हम क्या कर सकते हैं। इसे भी हम डेकोरेशन में डाल सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। इसे आपको करना ये है कि इसे अच्छे तरीके से तोड़ दीजिए। कर लीजिए, लाइक दिस। अभी इसके अंदर हमें ऐड करना है ट्रफल, 1 टीस्पून जितना ट्रफल, जिससे कि इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। राउंड राउंड बॉल्स बना लेनी है। सी, दिस इज द बॉल एंड इसे हमें लगा देना है इसके ऊपर। मैं यहाँ एक दो बना के रख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। Thank you.
ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहे तो इसके अंदर एक स्टिक डाल के बच्चों को लॉलीपॉप जैसा बना के भी दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। इसके ऊपर स्प्रिंकल लगा दीजिए, चॉकलेट में फिर से डिप कर दीजिए, ये बॉल्स बहुत टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ भी मैंने 3-4 बॉल प्रिपेयर कर ली हैं। अभी मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से डेकोरेट कर दूंगी। यहाँ मेरे पास कुछ गोल्डन स्प्रिंकल्स हैं, मैं उनको भी इसके आसपास स्प्रिंकल कर दूंगी। ये स्प्रिंकल्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट, उसमें गोल्डन में, सिल्वर में, या फिर कलरफुल, ये टोटली एडेबल होते हैं। यहाँ मेरे पास चॉकलेट के चंक्स रखे हैं, तो मैं ये थोड़े से चंक्स भी इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। ट्रफल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितनी चॉकलेट ली है उतना ही क्रीम लेना है, 1/2 कप चॉकलेट, 1/2 कप क्रीम, और उसे धीरे धीरे करके क्रीम को गर्म कीजिए और उसके अंदर चॉकलेट ऐड कर दीजिए। बस क्रीम जो है वो बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाना चाहिए, सिर्फ वो गर्म होना चाहिए, इतनी गर्म कि सिर्फ उसके अंदर चॉकलेट मेल्ट हो सके। अभी यहाँ पर मेरे पास गोल्डन डस्ट है, ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड करूंगी, तो इसमें एक अच्छा सा गोल्डन सा शाइन आ जाएगा हमारे केक में। सिर्फ ये हमारा जो एक केक है ये रेडी है। मैं थोड़ा अभी जल्दी कर रही हूँ, अदरवाइज मैंने और भी बहुत कुछ सोचा था। अभी मैं आपको एक पाइपिंग टेक्निक भी बताती हूँ साथ में इसके। यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और पाइपिंग बैग में मैं सामने से काट के यहाँ एक नोजल यूज करने वाली हूँ, इसे रोसलेट नोजल कहते हैं। पाइपिंग बैग के अंदर हम क्रीम डालेंगे अपनी। राउंड करके इसे छोड़ देना है हल्के हाथों से। यहाँ भी हम अपनी 2 बॉल्स रख सकते हैं इस तरीके से, थोड़ी सी चॉकलेट जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। और जो हमारी गोल्डन बॉल्स हैं उन्हें भी स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए हमारा जो केक्स है वो रेडी हो गए हैं। ये हमारा घर के बेस पर बनाया हुआ, और ये जो है ये हमने जो अपने प्रोफेशनल टूल से उस पर बनाया है। आई होप द सेशन इज यूजफुल फॉर यू। आप सभी को बहुत सब चीज़ें जो आपको यूज में आने वाली हो ऐसा रहा हो। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस? अभी हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। सो विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, अ हैप्पी न्यू ईयर, सॉरी,
तो आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ, नए साल की भी बहुत बधाइयाँ। मैं खाद्य खुराक न्यूज़ चैनल को बहुत दिल से थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया मुझे स्किल शो करने का। थैंक यू सो मच मेहता सर, थैंक यू होल टीम ऑफ खाद्य खुराक न्यूज़ चैनल, थैंक यू सो मच।